नमस्कार आप सभी के लिए। तो ये आज आपका 15 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। पहला है आपका अटल इनोवेशन मिशन टू सपोर्ट स्टार्टअप। अटल इनोवेशन मिशन के मतलब परिप्रेक्ष्य में या उसी के रिगार्डिंग किस स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया गया, तो ये है डेमोडे इनिशिएटिव। तो ये डेमोडे इनिशिएटिव के रिगार्ड में क्या होता है, जो छोटे हैं मध्यम हैं छोटे मध्यम जो उद्योग हैं उनमें टेक्नोलॉजी और नई नई चीज़ों का वहाँ पे इनिशिएटिव लेना, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट का या जो हमारे नीति आयोग जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है उसका एम रहता है या एम रहा है। पिछला जो अटल इनोवेश वो उसका वो हुआ था, यही डेमोडे इनिशिएटिव वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था और उसमें भी यही फूड प्रोसेसिंग हुआ, जैसे जो हम लोगों की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है तो उसी बेस्ड पे इस चीज़ों को सपोर्ट किया जाता है। तो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत डेमो डे इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई, तो ये हेमंग आमीन को इंटरिम सीईओ और बनाया गया है बीसीसीआई का। ये हेमंत आमीन पहले कहाँ थे, हेमंग आमीन पहले आईपीएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हुआ करते थे, वहां से इनको उठा के अब क्या बना दिया गया है, बीसीसीआई का सीईओ बना दिया गया है। ये किन को हटा के बने हैं, तो ये राहुल जौहरी को हटा के बने हैं हेमंग आमीन। उनका पहले वो थे राहुल जौहरी इसी पद पर, अब ये आ गए हेमंग आमीन। थोड़ा सा बीसीसीआई के बारे में बात करें अगर, तो ये 1928 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर बॉम्बे में है और इसके जो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो सौरभ गांगुली है और जो सेक्रेटरी है जय शाह है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो माहिम वर्मा वाइस प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में है बीसीसीआई के। विच टू कंपनी टाइड अप फॉर री इमेजिन कैंपेन, कौन सी दो कंपनियों ने टाई अप किया है री इमेजिन कैंप को लॉन्च करने के लिए, तो ये है फिक्की और यूनिसेफ, इन दोनों ने टाई अप किया है री इमेजिन कैंपेन को लॉन्च करने के लिए। फिक्की की बात करें तो ये 1927 में इस्टेब्लिश हुई थी, इसका नाम क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की की जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, जाह्नवी फूकन प्रेसिडेंट हैं फिक्की की, और मोनिका नैयर पटनायक ये क्या है, चेयरमैन है फिक्की ग्रुप की, मैनेजिंग डायरेक्टर है मोनिका नैयर, हैज बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ फेडरेशन ऑफ दिस। और बात करें यूनिसेफ, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी यूएस में। इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब इसका गठन कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। इसके जो हेड हैं वो हेनरीटा एच फोरे इसके वर्तमान में जो हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाबार्ड ऑर्गेनाइज्ड ब्लैंक ऑन इट्स 39 फाउंडेशन डे, क्या किस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है अपने 39वें फाउंडेशन डे या स्थापना दिवस के मौके पर नाबार्ड ने, तो ये है आपका डिजिटल चौपाल ऑर्गेनाइज किया है नाबार्ड ने अपने 39वें फाउंडेशन डे के परिप्रेक्ष्य में। थोड़ी सी नाबार्ड के बारे में अगर बात करें तो ये है 12 जुलाई 1982 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर बॉम्बे में है आपका, और हर्ष कुमार भानवाला इसके क्या हैं, हेड हैं या चेयरपर्सन हैं। फिर हु हैज इनॉग्रेटेड न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन हरियाणा, किसने इनॉग्रेशन किया है, किसने शुरुआत की है एक नए इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट की जो हरियाणा में बनने वाला है, तो ये है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। अब ये जो नितिन गडकरी हैं वो किस चीज़ के यूनियन मिनिस्टर हैं, तो ये है रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे एंड एमएसएमई के लिए जो उत्तरदायित्व है वो इनके लिए सौंपा गया है और ये इसी चीज़ के क्या है मिनिस्टर है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सत्यदेव नारायण आर्या हरियाणा के क्या हैं, गवर्नर हैं। चंडीगढ़ क्या है, हरियाणा की राजधानी है। जुलाई 15th ऑब्जर्व एज वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जुलाई 15 को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाता है या इस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी, तो एडीबी का मतलब यहाँ पे क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट के जो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन है,
अशोक लवासा, इनको अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के तौर। वर्तमान में ये किस पे काम कर रहे हैं? इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे हैं। और अब एडीबी बैंक में ये किसको सक्सीड करेंगे, मतलब किसको हटाकर ये बनेंगे? तो ये दिवाकर गुप्ता को हटा के बनेंगे, जो कि अगस्त 31 में क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं या उस पद से मुक्त हो रहे हैं। तो इनको, मिस्टर लवासा को क्या बनाया जाएगा, हेड बनाया जाएगा, वाइस वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। अगर एडीबी की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मनीला में है हेड क्वार्टर, है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर मेंदा लू योंग, फिलीपींस में इसका हेड क्वार्टर है। प्रेसिडेंट की बात करें तो मासासुगु असाकावा, ये इसके क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। इसका पर्पस क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब सिचुएटेड? कोचीन, तो ये है आपका कोचीन पोर्ट ऑफ इंडिया, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हब। अब ट्रांसशिपमेंट हब क्या कहलाता है? तो ये आपको इंटरनेशनल से जो घरेलू मार्केट है उन दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। तो ये जो हब है वो कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है? कोचीन, केरला के अंतर्गत। केरला के अगर सीएम की बात करें तो ये हैं पिनराई विजयन, जो चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो यहाँ के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। हु लॉन्च्ड वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 किट? तो किसने लॉन्च की है सबसे अफोर्डेबल, मतलब सस्ती किट, किसके रिगार्डिंग? कोविड-19 के रिगार्डिंग। तो ये है मिनिस्टर ऑफ एचआरडी रमेश पोखरियाल निशंक ने इस चीज को क्या किया है, लॉन्च किया। इस किट की बात करें तो ये एक टेस्ट किट है कोविड-19 के रिगार्डिंग, और इसका टोटल खर्चा कितना आता है? 650 रुपये के समथिंग आता है। किसने इसे डेवलप किया है? तो इसे आईआईटी दिल्ली ने बनाया है। किसने इनॉग्रेटेड किया है? तो ये तो आप समझ ही गए हो कि रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे वो दिया है। और इस किट का अगर नाम बताएं तो नाम क्या है इसका? कोरोस्योर, कोरोस्योर इस किट का क्या है, नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो ये है हु अप्रूव्ड सीरम इंस्टीट्यूट फॉर निमोनिकल पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन? तो ये है आपके DGCI ने अप्रूव किया है सीरम इंस्टीट्यूट फॉर न्यूमोनिकल पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। DGCI के फुल फॉर्म की बात करें तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसका नेम है, फुल कंप्लीट। हेडक्वार्टर इसका कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और बीजी सोमानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जिन्हें 14 अगस्त 2019 को अपॉइंट किया गया था। फिर क्या, फ्रेंच गवर्नमेंट सेलिब्रेट 14 जुलाई एज, तो ये है, तो ये आपका वेस्ट आइल डे के रिगार्डिंग मनाया गया है 14 जुलाई को। ये 1789 की बात है कि उस समय से नेशनल हॉलीडे के हॉलीडे मतलब मनाया जाता है फ्रांस में 14 जुलाई को। तो ये उसी के रिगार्डिंग वेस्ट आइल डे मनाया गया है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। सो थैंक यू फॉर टुडे।